उधार चुकाने के लिए एक युवक ने दो नाबालिगों के साथ मिलकर नरसाला रोड पर स्थित गेमिंग जोन में सेंध लगाई है। तीनों माल बेचने की तैयारी में थे, लेकिन इसके पहले ही हुड़केश्वर पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया। चोरी का सारा माल भी पुलिस ने जब्त कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में राधा कृष्ण नगर निवासी जयेश मुरेश्वर सतीश कोसरी और 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले दो नाबालिगों का समावेश है। चार दिन पूर्व तीनों ने बेलदार नगर में स्थित टाइम ब्रेक ई स्पोर्ट लॉन्च में सेंध लगाई थी। 3,20,000 रुपए के उपकरण चोरी कर लिए थे। हुड़केश्वर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और चोरी में जयेश और उसके भाई का हाथ होने की जानकारी मिली और तीनों को हिरासत में लिया गया। तीनों को गेमिंग का शौक है और जयेश पहले भी गेमिंग जोन में जा चुका था। उसने अपने रिश्तेदार से रुपए उधार लिए थे। पैसे वापस मांगने पर वह टेंशन में आ गया और गेम जोन में सेंध लगाने का प्लान बनाया। उपकरण बेचकर वह पैसों का जुगाड़ करने वाला था, लेकिन इसके पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। चोरी का माल और वारदात में उपयोग किया गया वाहन पुलिस ने जब्त कर लिया है। इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर भेड़ोटकर के मार्गदर्शन में सब इंस्पेक्टर माधव गुंडेकर, एएसआई शैलेश ठौरे, नंद किशोर ताड़े, हेड कांस्टेबल गणेश बोंद्रे, राजेश मोती, राजेश धोपटे, मुकेश कन्ना के, मयूर सातपुते, नितेश कर, शारदा भेरे, हिमांशु पाटिल और कुणाल उके ने कार्रवाई को अंजाम दिया। दिनांक 28 तारीख को हमारे यहाँ पे एक टाइम ब्रेक जोन करके गेम जोन का दुकान था, शॉप था, उस पर एक चोरी हो गई थी। उसकी गड़बड़ी की हमारे यहाँ पे FIR दर्ज हो गए थे। जब से FIR दर्ज हो गए तब से हमारे DB पतक की टीम यहाँ पे काम कर रहे थे। इसमें से कुल मिला के 3 आरोपी को अरेस्ट किया गया था। उसमें से 2 विधि संघर्षग्रस्त बालक थे और एक मेजर आरोपी था। और इन्होंने जो गेम जोन है वहाँ पे जो चुराए जो सभी मुद्देमाल है 3,20,000 रुपये का, वो पूरा हस्तगत किया गया है। इसमें का जो मेजर आरोपी है ये कर्ज में डूबा हुआ था और वो कर्ज की परतफेड करने के लिए उसने ये इसमें यहाँ पे चोरी किया। उसने अपने खुद के छोटे भाई को और उसके भाई का जो दोस्त है नाबालिग उनको भी शामिल कर लिया था। ये कामगिरी हमारे यहाँ के PSI गुंडेकर, ASI ताइडे, ASI ठौरे, गणेश बोंद्रे और नितेश कड़ू और इन्होंने टीम ने किए। सिर्फ 2 दिन में ये घरफोड़ी का कुछ भी सुगाव नहीं होते हुए भी गुना डिटेक्ट किया है, अच्छी कामगिरी की है। जय साकोतेकर करके आरोपी है और ये कुछ काम धंधा करता नहीं है और ये कर्जे में डूबा हुआ था और उसके सास के पास से उसने पैसे लिए थे और वो पैसे उसको देना था तो इस पैसे देने के लिए इसके पास कुछ पैसे नहीं था तो इसका माइंड में आ गया कि अपन चोरी करेंगे और ये पूरे चीज़ें बेचेंगे और उसमें से पैसे अपने सास को दे देंगे, इसलिए उन्होंने घरफोड़ी की। इसका कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं है, नहीं कोई रिलेशन नहीं है। ये 2-3 बार वहाँ पे गेम जोन में गेम खेलने के लिए गया था इतना है और उसने देख लिया था कि यहाँ पे चोरी करना आसान हो सकते है, अपने को उसके माइंड में आ गया और उसने प्लान बना के ये चोरी की है। कुल मिला के 3,20,000 का जितना माल चोरी में गया था वो 100% रिकवरी हो गया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट। ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, जो नागपुर का पहला और एकमात्र NABH द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल है। देश के पहले 50 अस्पतालों में से NABH द्वारा पुनः प्रमाणित ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल है। गत 25 से अधिक सालों से मध्य भारत का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में यह अस्पताल प्रसिद्ध है। सभी कैशलेस इंश्योरेंस सेवाएं साथ ही सभी प्रकार की कॉरपोरेट सेवाएं भी उपलब्ध है। इस अस्पताल में महाराष्ट्र शासन की महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत क्रिटिकल सर्जरी का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। इसी प्रकार से हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, ट्रॉमा, बर्न केसेस, कार्डियोलॉजी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज, पेडियाट्रिक सर्जरीज, यूरोलॉजी जैसे और भी क्रिटिकल केयर यूनिट है। इसके अलावा यह अस्पताल रेडियोलॉजी, एम्बुलेंस, फार्मेसी, आपातकालीन सेवाएं भी 24/7 प्रदान करता है।